7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। फोर टावर्स 22 फ्लोर ईच विद एक्सेल साइज बैल्कनीज 1, 2, 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट फ्रॉम 33 लाख ऑनवर्ड्स। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है, हलाल पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश का कहर, बादल फटने से हुई 5 लोगों की मौत, 50 लोग हुए लापता। रफीक कामदार, हिंदुस्तान डेली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुरुवार 1 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा और मंडी, इन 3 जिलों में तेज बारिश का कहर देखने मिला। खास करके मंडी में और कुल्लू कांगड़ा में, इन तीनों जिलों में बादल फटने की कई घटनाएं घटी। इस घटना की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा था, वहीं 5 लोगों की मौत हुई और 50 लोग लापता हो चुके थे। इस पूरे बादल फटने के और तबाही के घटनाक्रम के हम वीडियोज आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने क्या कहा वो भी सुनिए। चला गया, यहाँ गाड़ियाँ नीचे देखो, गाड़ियाँ भी जाने वाली है। वो ये देखो पावर हाउस में अंदर पानी घुस रहा है। यहाँ देखो बंदे कैसे बैठे हैं। बहुत ही बहुत नुकसान हो रहा है यहाँ मलाना टू गांव में। यहाँ देखो मल्लाना रोड पे भारी तबाही। मल्लाना डैम से बहुत ज्यादा पानी का फ्लो आया है और हम चौकी बासी 3 बजे से जागे हुए हैं और बहुत ही भारी तबाही हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक, ये पूरा बलादी का एरिया है। कृपया नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करें और अपने आप को बचाएं। आप देख सकते हैं ये बलादी का एरिया है, जो बलादी मलाना के बलादी और जो मलाना और पार्वती वैली का संगम है, वो संगम के पास का सारा एरिया बह चुका है और अभी तक जान माल के कोई भी खबर नहीं है, लेकिन भारी तबाही हो चुकी है। भारी तबाही जिसको बोलते हैं कि तबाही, ये जो मालिक रक्षा बनाए रखना, हर हर महादेव। सब लोग अपना ध्यान रखें। नदी नाले के पास रहने वाले हर बंधुओं से, रिश्तेदारों से ये निवेदन रहेगा कि जितना जल्दी हो सके नदी नाले से दूर चले जाए। हर हर महादेव। काम चल रहा है, कुमार था लेना। अभी ये जो घर बचा हुआ था, सभी लोगों से निवेदन है मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं।
ਦੁਆਰਾ ਕੋ ਠੀਕ ਸਫਰ ਹੈ अब थोड़ा कम हो रहा है ना थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ भाइयो मलाना डैम फट गया है पिपिया नदी नालों से दूर रहे मलाना डैम फट गया है अटेंशन प्लीज सब लोग नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं और मलाना वन डैम फट गया है ओ भगवान ए चलो जाओ चलो ए जाओ चलो जाओ चलो ओ आरो पत्रकार भाई बहुत ही भयानक बहुत ही भयानक भागो ए जाओ चलो रे आप देख सकते हो ए जाओ चलो जाओ ए तो कोल टम साफ हो रहा ए सर भागो 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 सब भाई भागो 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 भाई भी कल सुबह से प्रदेश में अत्यधिक बारिश हो रही थी और आज सुबह 4:40 के करीब क्लोड बस्ट हुए मंडी जिला में क्लोड बस्ट हुआ शिमला जिला में क्लोड बस्ट हुआ कुल्लू जिला में क्लोड बस्ट हुआ 4:40 सुबह के वक्त हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहाँ क्लोड बस्ट हुआ जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उसके कारण उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है निश्चित रूप से NDRF की टीम SDRF की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हमारे SDM सब घटनास्थल पर है पुलिस विभाग घटनास्थल पर है सुबह से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर तकरीबन 7 बजे से लगातार मेरे संपर्क में है अभी हमारी अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक हुई है सभी प्रकार के प्रबंध हमने करने के निर्देश सुबह रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे सेना से भी मदद मांगी गई है और काफ़ी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है और अभी अगले 36 घंटे में यह और अधिक बारिश होने की संभावना है मैं हिमाचल प्रदेश के सभी जो हमारी लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो नदी नालों के किनारे नहीं जाएं और जहाँ भी नदी नालों में क्रॉस करने की कोशिश ना की जाए अभी अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहें इस दृष्टि से हमने सारी जगह डिप्टी कमिश्नरों को एडवाइजरी जारी कर दी है सर बांध से इसकी पानी वगैरह छोड़ा जा रहा है इसके अलावा जो भी हमारी एयरफोर्स की जो सेना है उसको हमने तैयार रहने के लिए कहा है एयरफोर्स को भी तैयार होने रहने के लिए कहा है और अभी अधिकारियों की बैठक में
सभी अधिकारी चीफ सेक्रेटरी जी के नेतृत्व में बैठकर इसका जायजा ले रहे हैं। मैं और रेवेन्यू मिनिस्टर साइट पर विजिट करने के लिए जैसे ही मौसम खुलता है हम इसमें साइट पर मैं खुद भी जा रहा हूँ। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बातचीत हुई है, उन्होंने पूरी सहायता का हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि हमने एनडीआरएफ की दो टीमों को भी और भेजने की अनुमति दी है। मेरी प्रदेश के जो हमारे नेता जेपी नड्डा जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी मेरी बात हुई सुबह। उन्होंने भी दो बार हुआ फ़ोन करके पूछा कि प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है। मैंने उन सब से यही कहा है कि हमें आपदा में जो सहायता मिलनी चाहिए उस सहायता के लिए आप हमारी मदद कीजिए और तुरंत प्रभाव से ये सहायता देने की बात कीजिए। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से बात हुई है, मुझे राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस पार्टी के ओपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि उनसे भी मेरी बात हुई है, प्रियंका गांधी जी से भी मेरी बात हुई है, सभी से मेरी बात हुई है और सभी ने खुद फ़ोन करके मुझसे पूछा है। हमने कहा कि प्रदेश की जो अभी स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन जान माल का भी नुकसान हुआ है और प्रदेश की सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। मनाली जो है, मनाली पूरे देश से कट चुका है, कुल्लू तक आवाजाही में भी प्रभाव, आवाजाही में भी जो रुकावटें पैदा हुई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा सभी प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है कि वो इस समय नदी नालों के पास ना जाकर नदी नालों से दूर रहें, यही मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। और हम इस चुनौती को युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, पूरे मंत्री परिषद के मंत्रियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और सभी प्रकार से हम लोग इस चुनौती का सामना कर रहे हैं।